मूवी की कहानी एक 22 साल के फिजिक्स साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में है, आज जिसे हम फादर ऑफ एटम बम के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बम को बनाया था। मूवी के अंदर हमें 1926 का टाइम दिखाया जाता है, जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ब्रिटेन की एक कैवेंडिश लैब में काम करते थे। उस टाइम वो अपने घर की याद और कई सारी टेंशन से जूझ रहे थे। एक बार ओपेनहाइमर के सीनियर साइंटिस्ट उसे एक मीटिंग में नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से वो नाराज होकर उस साइंटिस्ट के एप्पल में साइनाइड का इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन अगले दिन जब एक दूसरे साइंटिस्ट विजिट के लिए आए हुए होते हैं और जैसे ही वो साइंटिस्ट एप्पल खाने की कोशिश करते हैं, ओपेनहाइमर उसे रोक देता है। और अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद वह जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी में एक फिजिक्स साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं, और वहां पर ओपेनहाइमर को एक वर्ल्ड फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट हाइजनबर्ग के साथ काम करने का मौका मिलता है। उस टाइम पर क्वांटम फिजिक्स के बारे में सिर्फ जर्मनी के साइंटिस्ट को ही पता होता है और बाकी दूसरे देशों के साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते होते हैं। और इसीलिए ओपेनहाइमर अपने देश अमेरिका में क्वांटम फिजिक्स लाने के लिए वापस अपने देश लौट आते हैं और अमेरिका में वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में पढ़ाना शुरू करते हैं, और इसके साथ ही वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाते हैं। और इस टाइम के दौरान उन्हें दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्टों से उनकी मुलाकात होती है। अर्नेस्ट लॉरेंस से उनकी मुलाकात होती है, जो हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, और जीन टेटलॉक के साथ भी उनकी मुलाकात होती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसए की एक मेंबर होती है। और ओपेनहाइमर और जीन टेटलॉक के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप रहते हैं, और इसी दौरान वो अपनी फ्यूचर वाइफ कैथरीन से भी मिलते, जो एक बायोलॉजिस्ट और एक्स कम्युनिस्ट होती है। एक बार अमेरिकी सेना के जनरल लेस्ली ग्रॉस ओपेनहाइमर को एटम बॉम्ब बनाने के लिए चुनते हैं और वो ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का लीडर बनाते हैं। एटम बॉम्ब बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब उन्हें पता चलता है कि जर्मनी के लोग हाइजनबर्ग के साथ मिलकर एटम बम बनाने का काम कर रहे हैं, और जनरल लेस्ली ग्रॉस ओपेनहाइमर को तभी इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाते हैं जब वह यह साबित करता है कि वो किसी भी तरह से किसी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी दुनिया के लिए खतरा होती थी। और ओपेनहाइमर न्यू मैक्सिको की एक जगह लॉस एलामोस में गुप्त रूप से बम बनाने के लिए एक साइंटिस्ट की टीम को इकट्ठा करते हैं। उन सब का टारगेट किसी को मारना नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते थे। वो इस बॉम्ब के सहारे हिटलर को रोक सकते थे और पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकते थे। ओपेनहाइमर को हिटलर की यहूदीवादी सोच से प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि हिटलर यहूदियों का जेनोसाइड करता था, और ओपेनहाइमर को यह लगता था कि वो इस बॉम्ब को बनाकर हिटलर को रोक सकता है और यहूदियों को बचा सकता है। और ओपेनहाइमर इस बॉम्ब के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो दुनिया के महानतम साइंटिस्ट है, उनसे चर्चा करते हैं। ओपेनहाइमर कहता है, कहीं हम अनजाने में एटम के एक दूसरे से टकराने की एक ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट ना कर दे जिसे हम रोक ना पाए और देखते ही देखते वो सारी दुनिया को जला दे। लेकिन सही तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद इसके होने के चांस लगभग जीरो होते हैं, इसीलिए वो अपने बॉम्ब बनाने का आगे का प्लान जारी रखते हैं। और जब सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर की हार हो जाती है, तो कुछ साइंटिस्ट इस एटम बम के विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अब हिटलर मारा गया और अब दुनिया को किसी से कोई खतरा नहीं है, तो हमें इस बॉम्ब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन साइंटिस्ट को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि अभी भी जापान युद्ध लड़ रहा है और जापान के होते हुए कभी भी अमेरिका और दुनिया में शांति नहीं हो सकती। और ओपेनहाइमर पोट्सडम कॉन्फ्रेंस से पहले इस एटम बॉम्ब का टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, और वो इस एटम बॉम्ब के टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट का नाम देता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी एटम बॉम्ब से हमला करने का डिसीजन लेते हैं, और इस बॉम्बिंग के कारण जापान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 220,000 लोग मारे जाते हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हमले की वजह से जापान सरेंडर कर देता है, और जापान के आत्मसमर्पण करने के कारण से ओपेनहाइमर दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट बन जाता है और उसे द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और इस बॉम्बिंग की वजह से मासूम लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ओपेनहाइमर बहुत ही दुखी होता है। इसलिए वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिलता है और उन्हें कहता है कि मेरे हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति ये कहते हैं कि ये तुमने नहीं किया, उन पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर मैंने दिया था, इसलिए तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो भी गलत किया है वो मैंने किया है। लेकिन फिर भी ओपेनहाइमर खुद को दोषी मानता है जो हुआ उसके लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका एक साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन ओपेनहाइमर इसका विरोध करता है कि अगर एक बार भी हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया तो पूरी दुनिया में इसे बनाने के लिए होड़ मच जाएगी, हर देश इसे बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देगा, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जो कि पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वार में डाल सकता है। और उस टाइम
पे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वार चल रही होती है और ओपनहाइमर इस कोल्ड वार के बारे में अपनी सोच की वजह से विवाद का विषय बन जाते हैं। और ओपनहाइमर का भाई फ्रैंक और उनकी एक्स लवर टेटलॉग दोनों ही पहले कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ओपनहाइमर के ऊपर सरकार को शक होता है और वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा देती है। लेविस स्ट्रॉस चेयरमैन ऑफ द यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर होते हैं। वो हमेशा से ही ओपनहाइमर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक बार उनके एक आइडिया जो कि रेडियो आइसोटोप को एक्सपोर्ट करने के बारे में था, इसको लेके ओपनहाइमर ने उनका सबके सामने मजाक बनाया था। और एक बार जब ओपनहाइमर और आइंस्टीन के बीच में कुछ बात हो रही होती है जिसे लेविस स्ट्रॉस दूर से देख रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ओपनहाइमर ने आइंस्टीन को मेरे बारे में कुछ गलत कहा, जिसकी वजह से आइंस्टीन ने उस दिन मुझसे बात तक नहीं की। और ये दोनों बातें ही लेविस स्ट्रॉस के मन में बैठ जाती है और वह हर हाल में ओपनहाइमर से बदला लेना चाहता है। और वह ओपनहाइमर को अमेरिकी पॉलिटिक्स से हटाने के लिए ओपनहाइमर के ऊपर लगे आरोपों का फायदा उठाता है। और इंक्वायरी में ओपनहाइमर के दोस्त टेलर और उनके कई सारे साथी ओपनहाइमर के बारे में गलत बयान देके ओपनहाइमर को धोखा देते हैं और इन्हीं आरोपों की वजह से ओपनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और कम्युनिस्ट लोगों के साथ संबंध रखने से उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सारी सुविधाएं वापस ले ली जाती है। बाद में सीनेट कॉन्फ्रेंस की हेयरिंग में डेविड हिल, जो कि एक इंजीनियर होते हैं, वो सबको बताते हैं कि लेविस स्ट्रॉस ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए ओपनहाइमर के ऊपर केस करवाया और ओपनहाइमर को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने की योजना लेविस स्ट्रॉस ने ही बनाई थी, ताकि वो ओपनहाइमर से अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। और आगे चल के 1963 में वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन ओपनहाइमर को एनरिको फर्मी अवार्ड देते हैं। और लास्ट में ये दिखाया जाता है कि ओपनहाइमर ने जो आइंस्टीन के साथ लास्ट बात की थी वो लेविस स्ट्रॉस के बारे में नहीं थी, बल्कि उस एटॉमिक बॉम्ब के बारे में थी। लेकिन लेविस स्ट्रॉस को ऐसा लगता था कि ओपनहाइमर ने आइंस्टीन को मेरे बारे में कुछ गलत कहा। और ट्रिनिटी टेस्ट के सफल होने के बाद भी ओपनहाइमर को ये लगता है कि उसने पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब हर एक देश एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से किसी ना किसी दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।